के कारण ये दिन मैं पूरा दिन खो दिया। एक तो आप देर से उठे और दूसरा हुआ ये धूप के कारण आप साधना नहीं कर सकते ना जब कर सकते। लेकिन क्या हमारे इस जीवन का यही लक्ष्य है, तपस्या का अर्थ यही है। तपस्या किसे कहते हैं? सुबह से बार बार इसी चिंतन में हूं और इस बार की पत्रिका भी मैंने लिखा है कि धन को कमाना, शादी, बच्चा होना, यही आपकी इच्छाएं हैं तो गुरु जी की भौतिक साधना सफलताएं या लक्ष्मी साधना की पुस्तक आपको हर प्रकार की आपकी भौतिक सुख को देने के लिए तैयार है। वो गुरु जी ने पुस्तक लिखी हुई है कि शिष्य को क्या चाहिए, शरीर धारण उसने किया है तो शरीर के लिए क्या क्या चाहिए, हर प्रकार की साधना गुरु जी ने अपने उस पुस्तक में आपको दी है। लेकिन गुरु जी का इसके पीछे एक चिंतन भी था। एक चिंतन यह था कि आप सिद्धाश्रम को पहुंचो, सिद्धाश्रम भी जहाँ हजारों वर्ष प्राप्त योगी साधक वहाँ बैठे हुए हैं और वो अपने कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण किस तरह करें इसके भी बारे में उन्होंने बताया। हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और ध्यान नहीं देंगे भी, क्योंकि हमारे पीछे ये सारी लगी, मेरी पत्नी बीमार है, मेरे बच्चे बीमार हैं, मैं बीमार हूँ, मेरे को पैसा नहीं आ रहा है, मेरे बच्चे सुखी नहीं है, मेरे बच्चे गालियाँ देते हैं, संसार सुखी नहीं। इस चक्र में आप, मैं आखिर तक भी आपकी सहायता कर सकूँ तो आप बुढ़ापे में भी मुझे यही प्रश्न करेंगे कि गुरु जी अभी भी मैं परेशान हूँ। आप कभी नहीं कहेंगे कि मैं परेशान नहीं हूँ और मैं जैसे मैं स्वतंत्रता के साथ और निश्चिंतता के साथ मैं गुरु मंत्र जप करूंगा, गुरु जी मैं आपके चरणों में समर्पित होकर आया हूँ, मैं ये कार्य करने के लिए तैयार हूँ, आप ये कभी नहीं कहें, क्योंकि आपके पीछे संसार चक्र जैसा चल रहा है, आपके पीछे कोई ना कोई लगाव है। लेकिन ऐसा कितने 20 साल हो गए, 20 साल से हम ये देख रहे हैं आपके बच्चे हुए, बच्चों की शादियाँ हुई, बच्चों को बच्चे हो रहे हैं, उनकी बीमारी है, आप फिर एक करके करके आप बूढ़े हो गए, आपको अभी नहीं होता और मैं फिर आप जहाँ बैठे हैं मैं जहाँ बैठा हूँ, यही कार्यक्रम चल रहा है। तो क्या हमारे जीवन का गुरु के उद्देश्य को लेकर चलने का कभी गुरु के लिए हम 5 मिनट देंगे, कभी गुरु के लिए गुरु के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए कभी हमारे जीवन में कुछ आपने किया है, हम करना चाहिए या नहीं चाहिए? इसीलिए इस पत्रिका में इस बार लिखा हूँ 21 अप्रैल को मैं एक केवल साधकों के लिए जो मेरे प्रति समर्पित है या गुरु जी के प्रति समर्पित है उनके लिए 40 दिन की एक साधना देता हूँ। उस साधना में गुरु पूर्णिमा तक वो साधना संपूर्ण करके जिस तरह मैं चाहता हूँ वो पूर्ण करके आते हैं, तो वो मेरे साथ 3 साल के लिए साधनात्मक दृष्टिकोण से मैं जहाँ भी जाऊँगा, हिमालय जाऊँगा या कहीं कंदराव में जाऊँगा, समुद्र में जाऊँगा, लेकर आपके आपको साथ साधना के और गुरु मार्ग पर लेकर चलूँगा। और जो नहीं आ रहे हैं बस यही आपका जीवन है, आप आएँ, आपके बारे में कहें कि मेरी बीवी ठीक नहीं है, मेरा बच्चा ठीक नहीं है, मेरे वो ठीक नहीं है, मैं बीमार हूँ, मुझे शक्ति दो, इस बात में अपील करेंगे और उस साधना के लिए मैं हर एक प्रकार की साधना इस आश्रम में रख के जाऊँगा और यह भी प्रार्थना करूँगा कि प्रभु इनके जीवन के अंतिम क्षण तक इनकी भौतिक साधनाएँ और सफलताएँ आप उनको प्रदान करें। लेकिन जो आध्यात्मिक मार्ग में श्रेष्ठता चाहता है वो केवल मेरे साथ आए, वो केवल मेरे साथ रहें। बहुत दुख इस बात का है कि इतना कहने पर भी गुरु के प्रति या गुरु के निष्ठा के प्रति या गुरु के सिद्धाश्रम साधक परिवार के प्रति या गुरु जी के सिद्धाश्रम पहुंच के प्रति कितने लोग सशक्त हैं और साधना के लिए उद्यत हैं। आज जब मेरे भाई दत्तू भाई आकर कहे थे भैया बहुत भूख बढ़ गई है, लोग बहुत एकदम त्रस्त हैं, कूलर लगाए हैं फिर भी साधना नहीं कर सकते, थोड़ी देर के लिए रेस्ट ही देंगे, शाम में साधना करवाएंगे, मैं लगा भी तपस्या कब करेंगे, ऐसी ही बात नहीं थे, तपस्या कब करेंगे। यह चिंतन दिन भर बना रहा और आज भी बना है। मेरा एक ही कहना है आप अपने आप को कम से कम पूरे जीवन में 60 वर्ष की आपकी अगर आयु है, 100 वर्ष की आपकी आयु है तो आप एक बार प्रश्न करके देखो कि आपने गुरु के प्रति क्या 1 साल दिया है, गुरु के प्रति क्या 41 दिन दिए हैं, 41 दिन दिए हैं, ऐसा आपने कार्य किया है। अब मैं कहता हूँ यहाँ भी मेरे आश्रम में भी रहने वाले मेरे आश्रम में भी समर्पित भाव से लोग आए हैं, लेकिन सुबह से शाम तक एक के ऊपर एक कोई ना कोई चढ़िए अपना बड़प्पन अपने अहंकार के लिए दे रहे हैं, लेकिन वो कभी कर्म के नाम पर यानी मैं ये गुरु कार्य है, ये मेरा गुरु का घर है, मैं इसको स्वच्छ रखूं, मैं इसके लिए देखो नहीं। हर बार कोई भी मेरे पास कॉम्प्लेंट आता, कोई एक कॉम्प्लेंट लेके कभी नहीं आता कि गुरु जी मेरे साथ कोई साधना नहीं,
हर एक को सुख को उसको भोग देंगे। गुरु जी मुझे खाना नहीं मिला, मुझे रोटी नहीं मिली, मेरे बच्चे को दूध नहीं मिला, मेरे को खाना नहीं, मेरे को वहाँ जाना नहीं, वहाँ यहाँ जाना नहीं, अगर उनको उस काम बोलो तो आपने को एक 17 कारण बताएंगे कि वो काम क्यों नहीं हुआ। अगर प्रश्न करता हूँ तो वो बताएंगे कि अरे निश्चिंतता के साथ ना वो सोएंगे, निश्चिंतता अपने साथ सोएंगे न कार्य। अब वो समर्पित है तो किस प्रकार के समर्पण में है इसकी भी चिंता लगी हुई, क्या समर्पण कर रहे हैं, कौन सी साधना कर रहे हैं, किस प्रकार गुरु जी के कार्य को लेकर चल रहे हैं। कभी आज इतने साल हुए एक साधक भी अपने आंखों में आंसू लाकर एक बात नहीं कर सका कि गुरु जी मेरे से साधना नहीं हो रही है। गुरु जी ने अपने मंत्र का, नाम मंत्र जप का, एक एक अक्षर का, 9-9 लाख का जब एक गुरु के अलौकिक सिद्धियां नाम की इस पुस्तक में कहा है, एक साधक भी आज तक नहीं कर सका, सब असंपूर्ण रहे। फिर वो समर्पित हैं, फिर यहीं रहते हैं आश्रम में। आए उनको बोला, उनको कहा, रो गए लड़कियाँ देखे, शादी भी, बच्चे हुए, अब तो वो संसार में लिप्त हैं। उनको क्या कह सकता हूँ कि तुम संसार में लिप्त हो, तुम्हारे बच्चे पढ़े लिखे, आप गुरु के घर में ही बैठे हैं, गुरु का ऐसा बताते हैं कि हम गुरु कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनकी आत्मा उनको कभी कसौटती नहीं कि अगर मैं यही मेरे घर में होता, मैं अकेला होता, मेरे बीवी बच्चों को पालना पोसना होता तो मुझे कितना कष्ट होता है, जबकि गुरु जी यहाँ कर रहे हैं। वो कभी प्रश्न नहीं करेंगे, केवल गुरु को ये कहेंगे कि मैं ही बहुत कष्ट अनुभव कर रहा हूँ यहाँ, मुझे लोग बोल रहे हैं, और इस प्रकार से अब इनको समर्पित कहूँ तो किस प्रकार समर्पित कहूँ, किस प्रकार की समर्पित भावना को लेकर चलो कि वो लोग समर्पण के साथ मेरा यहाँ काम कर रहे हैं। आश्रम में मैं जब आता हूँ तभी लोग आपको देखेंगे कि यहाँ एक बार आश्रम के लोगों को आत्मीय आत्मा को झकझोर करते हैं कि वो आजकल तो टीवी हो गया, आजकल तो फोन टेलीफोन हो गया है, उसमें फिल्म आते हैं, वो साधना आते हैं। आज तक 20 साल में यहाँ टीवी नहीं रखा, केवल कारण क्या था कि भाई लोग उसमें गलत मार्ग में न जाए, लेकिन फोन आने के कारण वो यूट्यूब लगाते हैं और कुछ ट्यूब लगाते हैं, रात के 11-12-1 बजे तक आत्मा के साक्षी बनाकर कहे कि हमने ऐसा नहीं किया। और मैं भी आपके सामने ये बात कहता हूँ, केवल पिताजी ने एक बार मेरे जीवन के एक बार मेजरमेंटमेंट पास हुआ था, गाली नहीं की तो सिनेमा देखता है, तो मैंने 6 साल के लिए सिनेमा नहीं देखा, छोड़ दिया था कि मैं सिनेमा नहीं देखूंगा, और वो कारण था। आज गुरु जी मुझ पर प्रसन्न है और मुझे इस बात में, कभी आपने निर्णय लिया कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, कभी आपने निर्णय लिया कि मैं ये साधना करूंगा, कभी आपने निर्णय लिया कि मैं किसी के ऊपर कोई चाड़ी नहीं जीऊंगा, नहीं करे। और जब तक ये तुम्हारे जीवन में नहीं होता आप कभी भी साधनात्मक दृष्टिकोण से आगे नहीं बढ़ सकते। आप अपने आप को प्रश्न करके देखो, क्या आप ऐसे जीते हैं? आपको आपने आश्रम की साधना के लिए देखा है? कोई पूजा करता है तो आप कभी आश्रम का, आज तक 20 साल में मुझे कहना पड़ेगा कि तुम आरती में जाकर खड़े रहो, अपनी जगह स्वयं पे बैठे रहते हैं, कोई आरती को सुबह जाकर उठ के जाया, आरती के लिए नहीं जाता, ये बात बतानी क्यों होती है? आश्रम में गुरु कार्य हो रहा है या क्या हो रहा है? किसी को सौंप दे तो उनके बारे में चढ़िया की जाती है कि वो आरती ठीक तरीके से नहीं करता, तुम क्या कर रहे हो? अब मैं किसको समर्पित कहूं? आप बाहर के लोग तो बाहर है ही, आश्रम के लोग भी इस प्रकार अगर करें तो मैं किसके बारे में आपको कहूं कि आपके इस बात से समर्पण किस प्रकार का मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप समर्पित हैं या समर्पण के भाव में मेरे साथ आएंगे। हर लोग हर बार यही कारण बताते हैं कि मैं बहुत, मेरे को नहीं होता, मैं धन के लिए आया हूं, मैं पुत्र प्राप्ति के लिए आया हूं, मैं तो आप इसके लिए जुड़ा हूं। ये कितने दिन ऐसा ही चला तो मेरे 20 साल निखिल चेतना केंद्र स्थापना का मेरा सही का उद्देश्य खत्म हो गया, उसमें कोई पीछे नहीं रहा। सारे जनताओं में, दूसरे आश्रमों में, इस आश्रम में, सभी आश्रमों में आपको बंधन है, आपको रोका जाता है कि आपको 3 बजे उठना है, स्नान करना है, इतने बजे 10 बजे तक खाना खाना है, 12 बजे तक सोना है, 9 बजे लाइट बंद करना है, 10 बजे। मैं आपको आश्रम में एक भी बंधन नहीं रखा हूं, मेरे गेट खुले हैं आपको, लेकिन आपको इस स्वतंत्रता का कभी सदुपयोग नहीं किया, कभी दुरुपयोग ही करते रहे। आपको स्वतंत्रता का, उस साधना का कभी सदुपयोग नहीं। अगर ये स्वतंत्र इसलिए कहते हैं कि सन्यासी लोग या साधनात्मक लोग चाहते हैं कि स्वतंत्रता चाहिए, उस स्वतंत्रता जो आप जंगल में जाकर या नदी के किनारे जाकर वो स्वतंत्रता अनुभव करते हुए साधना करना चाहते हैं, उस स्वतंत्रता मैंने आपको यहाँ दी, लेकिन क्या आपने साधना संपन्न की? क्या किसी ने आज तक 9 लाख गुरु जी का गुरुमंत्र जप किया? एक अनुष्ठान पर किसने कार्य किया? प्रश्न करके देखो आपने आपको। मैं समर्पित आपको कहूं तो किस प्रकार समर्पित कहूं? मैं क्या कार्य कर रहा हूं? बाहर वालों को तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, वो लोग अपने अपने कार्य में है। मैं ऐसे केवल समर्पित शिष्य, 1 या 5 भी शिष्य मेरे लिए हो गए तो मैं संसार के उस गुरु जी के कार्य को लेकर आगे चलने की क्षमता रखता हूँ। निखिल चेतना की स्थापना करके आज 17-18 साल हो गए। 18 साल में केवल मैं यही देखता रहा, हर एक आदमी आया, यहाँ आया, अपनी अपनी इच्छाओं के साथ जिया, अपनी इच्छाओं के साथ शादी हुई, बच्चे हुए, आज वो संसार के साथ जी रहा है, लेकिन क्या गुरु कार्य के बारे में सपने करें? हर एक आदमी सोचता है कि मेरा क्या,
मेरा कितना हो, क्या मुझे पता नहीं आप कितने स्वार्थ के साथ जी रहे हैं, कितने निस्वार्थ के साथ जी रहे हैं। मैं हर क्षण आपको देख रहा हूँ और मैं बार बार मुझे सजेशन करते हैं, गुरु जी आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, मुझे पता नहीं है क्या करने का है। जो मालक बैठा हुआ है, कभी मैंने एक बोर्ड भी नहीं लगाया कि ये आश्रम अनिल कुमार जोशी का है या अनिल कुमार जोशी इसको चलाता है। मैंने कई बार कहा है कि केवल इसके मालक है इसके स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, और वो देखने वाले हैं। आप क्या गुरु को ये मार्ग बताने वाले क्या ऐसा करो गुरु जी आप वो बेचो ये बेचो दूध बेचो काम करो आप आश्रम करो। सब लोग मुझे सजेशन देते रहते हैं कि आप ऐसा करो। मैं कहता हूँ जो मालक बैठा हुआ है वो देख रहा है, अगर आज वो नहीं देखता तो यहाँ सांप बिच्छू के इस जंगल में आज कितने के लोग उसके ऊपर प्रहार होते थे, कितने प्रहार मैंने से आपके लिए, केवल इसलिए कि आप साधना के मार्ग में आगे बढ़ोगे। लेकिन क्या हुआ, क्या हो रहा है, कितने बार इस बात को समझाते हुए मैंने दिन गुजारे। मैं एक मिनट के लिए आश्रम के लिए चला गया, आश्रम से चला गया तो मैं जब तक आश्रम आता हूँ आपको निश्चिंतता के साथ कहता हूँ, एक वस्तु अगर खेत में पड़ी हुई है, कोई पहाड़ या कोई पात्र पड़ा हुआ है, तो मैं आने के बाद उसे वही देखता हूँ कि कोई उठा के लेता कि ये मेरा। हर घर में जाकर अगर आप थालियों के बारे में देखें तो थालियां वैसी पड़ी हुई, अपने कपड़े अपने नहीं धोते, कपड़ों के ढेर लगे हुए हैं। आप आश्रम में रह रहे हैं, स्वच्छता का कारण है, स्वच्छता का अभियान आश्रम में आप स्वच्छ रहे। निरंतर बाह्य और अभ्यंतर शुचि के बारे में बात करते हैं, अंदर और बाहर शुचि हो, शुभ्र हो, शुभ्रता हो, कहां तक है। मुझे ये बात इसलिए कहना पड़ रहा है आज इसके ऊपर ये कहते हुए, मैंने पत्रिका में एकदम पूर्ण तरीके से लिखा है कि मैं इस बात से एकदम नाराज हो गया हूं कि चाहे जोधपुर के स्वामी गुरुजी भी क्यों ना हो कि और कितने भी गुरुजी के शिष्य ना हो, कोई एक छाती ठोक कर ये बात नहीं कह सकता कि मैं सिद्धाश्रम जाकर आया हूं, मैंने दशमा विद्या को सिद्ध किया है, ऐसा एक आदमी स्टेज पर नहीं कह सकता। फिर हम आज 18-20 साल से गुरुजी के 40 साल गए, मेरे 18 साल गए, कोई ये बात कहने के लिए, कोई ये साधना सिद्ध करने के लिए तैयार नहीं। हर एक बात को अपने को चाहिए कि मुझे कैसा कौन मिलेगा, मुझे किस तरह मेरा कार्य होगा, मेरा किस तरह स्वार्थ सिद्ध होगा, क्या यही जीवन है। कितना मैं इतना सब आपके एक परिवार को चलाने के लिए आपको कम से कम महीने में कितनी ही कठिनाइयां उठानी पड़ती है। यहाँ आज कम से कम कुछ नहीं तो 20-25 कुटुंब यहाँ चलता है, घर में अलग कुटुंब चलता है, भोजन में अलग कुटुंब चलता है, इन सभी को देखते हुए दिन गुजारता हूँ। एक सब करते हुए फिर साधना रख लेता हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि कभी गुरु को देखकर हमारा कार्य करें, हमारे कार्य को आगे बढ़ाएं। कम से कम आप सुबह से शाम तक रहो तो एक बार अपने हृदय से प्रश्न कर लो कि मैं आज कौन सा अच्छा कार्य किया हूं, आज कौन सा गुरु कार्य किया हूं। प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा कि आपने किया है या नहीं किया है, किसको आपने आपके किस आपके कार्य करने से किसके मुख पर सुख या शांति आई है या मुस्कुराहट आई है, कभी आपने का प्रश्न किया है। बहुत बार मैं ये कह चुका हूं, ये कहने के बाद भी आज मुझे कहना पड़ रहा है कि मेरी 18 साल की तपस्या निखिल चेतना केंद्र की मुझे व्यर्थ होती नजर आ रही है। मुझे कोई साधक या कोई ऐसा आदमी नहीं दिखा जो पूर्ण समर्पण के साथ ये एक कहे कि गुरु जी मैं ये करते हुए मैंने साधनाएं संपन्न की है, मैं आपका कार्य कर रहा हूँ, मैं गुरु कार्य के लिए हूँ, मैं निश्चित रूप से मैं अब मेरे घर में नहीं सकता। मुझे कब लगता है कि कब रात में कब कौन सा फोन आएगा आश्रम से, क्या फोन आएगा। इस तरह दिन अगर गुजारता रहा तो मैं निखिल चेतना केंद्र की स्थापना का मेरा मुख्य उद्देश्य चला जाएगा, किस उद्देश्य के साथ मैंने स्थापना की। आपको अगर मैं सामर्थ्यवान नहीं बनाया तो मैं भी उस गुरु जी का शिष्य नहीं हूं और मैं कार्य नहीं कर रहा हूं। और मुझे कार्य करने के लिए मुझे और भी मेरे को आप में झोंकना पड़ेगा, मैं झोंकूंगा, अपने आप को भस्म कर दूंगा, लेकिन इन्हीं के चेतना के स्वामी निखिलेश्वरानंद जी का नाम संसार में रखकर ही जाऊंगा, यही उद्देश्य के साथ बैठा। मैंने मान सहन किया है, मैंने अपमान सहन किया है, आप ही मेरे और गुरु के सभी के ऊपर आलोचक बने, चिंतक बने, मेरे ऊपर नहीं नहीं से बातें भी कहे, आपने चाहे सभी के सामने फूल माला पहनाई होगी, मुझे स्तुति की होगी, लेकिन पीछे आप क्या करते हैं मुझे पता है, किस तरह का जीवन जीते हैं मुझे पता है। मैं कभी भी आपको इस बारे में नहीं कहा, कितने भी लोग जो गए जो आए उनको उतना ही सहर्ष स्वीकार किया कि आप आओ, जिस दिन आप इसको छोड़ के गए आपने क्या क्या बातें बाहर गई फिर आप आए, तो मैंने कभी नहीं कहा कि आपने ऐसा क्यों कहा पहले, ऐसा कभी मैंने नहीं कहा। क्यों, कि मुझे पता है ये मेरे गुरु जी के शिष्य है, इन्होंने गुरु जी का मंत्र लिया है और मैं इनका मेरे साथ ले, बच्चे हैं गलती हो सकती है, इस गलती को माफ करते हुए क्षमा करते हुए मैंने आज तक ये दिन गुजारे। लेकिन क्या आप प्रश्न करते हैं अपने आप को कि गुरु जी ने इतना कहने पर भी हमने गुरु जी के प्रति क्या किया, हमने हमारा कर्तव्य गुरु जी के प्रति क्या हुआ, कभी आपने प्रश्न किया नहीं करोगे, क्यों करोगे, आप किसके साथ क्या लेना देना है, आपके बीवी बच्चे ठीक है, आपको खाना मिल रहा है, आश्रम में आप रह रहे हैं, आए जाए आपका काम हो गया, काम खत्म, आश्रम के लिए मैंने क्या किया, कभी अपने आप को प्रश्न करके देखो,
इस आश्रम के लिए, जिस आश्रम के लिए गुरु जी आज तरस रहे हैं, यहाँ कार्य होना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं? पहले मैं अपने घर को सुधारना चाहता हूँ, बाद में दूसरों के लिए। अपना घर ही मैंने नहीं सुधारा तो दूसरों के बारे में क्या कहूँ? यहीं साधना नहीं होती तो दूसरों के साधना के बारे में कहूँ तो उसमें मजा, उसमें क्या, किस प्रकार का आनंद रहा? आप सभी को मेरी आज से भी सहर्ष प्रार्थना है, सहर्ष एक मेरी आज्ञा कहो, प्रार्थना कहो या मेरा ऑर्डर कहो, इस बात को कहना है कि आप अपने आप को प्रश्न कर लेके चलो कि मैंने क्या गुरु कार्य किया है। और जब तक ये कार्य गुरु कार्य के बारे में प्रश्न नहीं करोगे, आपको उसका उत्तर नहीं मिलेगा, ना गुरु कृपा मिलेगी। आप आए, जिए, बच्चे हुए, नौकरियां लगी, आगे फिर आप चले जाएंगे संसार में, मैं भी चला जाऊंगा, गुरु जी भी चले गए, फिर ये संसार जहाँ का है वहीं रहूंगा। कितने लोग गुरु जी के पास ये छाती ठोक कर कह सके आज कि हम सिद्धाश्रम गए हैं? आपको मेरा कोई आदमी, कोई आदमी आपने देखा है? देखा है, नहीं देखा है तो इसका कारण क्या है? साधनाएं नहीं, क्यों? गुरु जी अकेले ही सिद्धाश्रम पहुंचे और हम नहीं पहुंच रहे? कभी इसका, इसके एक तपस्या है, इसका एक आपने कोई कष्ट हुआ? आपने इस कष्ट को अनुभव किया? नहीं करें, नहीं करेंगे। मैं बार बार ये चाहता हूँ कि मेरे साधक यहाँ आते हैं उनको कितने प्रकार की सुविधाएं यहाँ प्रदान करूँ, उनको साधना के लिए कौन से पेड़ लगाऊँ। 18 साल में बड़े बड़े पेड़ हो गए,